أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم This is New Chapter School السلام عليكم आज क्लास वन की साइंस का पीरियड है ये आप लोगों की साइंस की बुक है हम लोग इस साइंस की बुक के अंदर चैप्टर नंबर टू पढ़े थे द साइंसेस हम लोगों ने द साइंसेस में पढ़ा कि हमारे पास कितने साइंसेस होते हैं वी हैव फाइव साइंसेस द सेंस ऑफ साइट सेंस ऑफ हियरिंग सेंस ऑफ स्मेल सेंस ऑफ टेस्ट सेंस ऑफ टच ये फाइव सेंसेस हैं हमारे पास इसके अलावा हम लोग अपनी बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट तरीके से मूव कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल में मूव कर सकते हैं डिफरेंट वे से मूव कर सकते हैं ये हम लोग मूवमेंट की कोई एग्जांपल पढ़ी थी जैसे कि हमारे पास आ रही थी जॉगिंग जंपिंग बैलेंसिंग हिटिंग पुल जंप किक सिट या रीड था यहाँ पर हमारे पास ये टेस्ट था देन वी हैव स्ट्रेच ये सारी हम लोगों ने मूवमेंट पढ़ी थी देन हम लोगों ने हियर आर सम वर्ड्स टू यू हम लोग मूवमेंट में रन पुश च्यू योंग जंप पुल सिट वॉक सिंग स्ट्रोक काफ बैलेंस राइट नॉड किक होल्ड स्ट्रेच ये सारी हम लोगों ने मूवमेंट के नाम्स पढ़े थे पार्ट्स ऑफ बॉडीज जो हम लोग बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं हम लोग दोबारा पढ़े थे आईज चेस्ट फिंगर्स थम्ब्स हेड टोज लेग्स चिन नेक आर्म लिप्स बैक हैंड्स टंग शोल्डर्स फीट जॉज ये हमारे पास पार्ट ऑफ बॉडीज थे मैं आप लोगों को जो ये एक्सरसाइज बताई है एक्सरसाइज आपको इस बुक में फिल करनी है और जो आपको कॉपी में काम करना है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो हम लोग ये एक्सरसाइज कर लेते हैं सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर हम लोग को इसमें सही जवाब को चूज करना है इसको सर्कल करना है विच ऑफ दीज इज नॉट अ वे ऑफ मूविंग इन चार चीज़ों में से कौन सी चीज़ एक मूवमेंट की एग्जाम्पल नहीं है स्लीपिंग हॉपिंग स्किपिंग रनिंग स्लीपिंग में मूवमेंट होती है नहीं होती है तो स्लीपिंग है इट्स नॉट अ वे ऑफ मूवमेंट हॉपिंग जैसे रैबिट हॉप करता है जंप करता है स्किपिंग उछलना एंड देन रनिंग भागना ये तीनों चीज़ें हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ मूविंग है Which of these is not one of the five senses? हमारे पास five senses में से कौन कौन से sense हैं हम ये पहले देख लेते हैं sense of sight, sense of taste, sense of hearing. Breathing जो हमारे पास senses में नहीं आता सांस लेना हमारा sense नहीं है Which of the senses do you see while eating? हम खाने खाते हैं किन किन senses को use करते हैं sense of hearing? नहीं सेंस ऑफ स्मेल करते टेस्ट करते लेकिन हेयरिंग नहीं करते सेंस ऑफ स्मेल हम खाने को सूंघते हैं खाने को देखते हैं खाने को टेस्ट करते हैं पार्ट बी हम लोग खाने को सुनते नहीं हैं कि खाना क्या बोल रहा है हम खाने को सुनते नहीं हैं इसमें ये आ गया देन अगेन यहाँ पर हमारे पास हियरिंग आ गया इफ यू एट अ लेमन अगर आप लीमू खा लें What would you taste it with? आप किस चीज़ से इसको टेस्ट करेंगे आईज से लिप्स से टंग से या टीथ से हम जो भी टेस्ट करते हैं वो करते हैं टंग से जबान से Which of the following you might do if your body was tired? अगर हमारी बॉडी टायर्ड हो तो हम क्या करेंगे हम स्नीज करेंगे हम काफ करेंगे हम जंप करेंगे या हम यॉन करेंगे हम यॉन करेंगे What can you see in your classroom? Write the names of any three things you can see. आपको अपने क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें नज़र आती थी सबसे पहले आप लोग अपने क्लासरूम में चेयर्स नज़र आती थी आपको टेबल्स नज़र आती थी और आपको वाइट बोर्ड नज़र आता था अपने क्लासरूम में ये तो बिल्कुल ईजी सी चीज़ें जो तीन नज़र आती थी वो हमने लिखी नंबर थ्री योर सेंसेस कैन सेव यू फ्रॉम गेटिंग हर्ट हमारे सेंसेस जो हमें
चोट लगने से बचा सकते हैं. विच ऑफ योर सेंसेस विल वार्न यू अबाउट दीज डेंजर्स. इन्होंने हमें चार डेंजर सिचुएशन दी हुई है. अब हमें बताने का कौन कौन से सेंसेस हमें इनसे महफूज करते हैं. फायर, अगर आग लग रही हो तो हम आग को किस तरह महसूस करते हैं. हम फायर को देखते हैं, सेंस ऑफ साइट, हमें आग जलती हुई भी नज़र आती है. हम उसको फील करते हैं, उसकी गर्मी हमें महसूस होती है ना. इसके अलावा जब कहीं चीज़ में आग लगती है तो उसकी स्मेल भी हमें आती है, हमें पता चल जाता है कि कहीं जलने की स्मेल आ रही है. तो सेंस ऑफ स्मेल भी इस्तेमाल करते हैं, सेंस ऑफ फील भी, सेंस ऑफ साइट, ये तीनों चीज़ें हमें महफूज रखनी है फायर से. हॉट वाटर, गर्म पानी. गर्म पानी को हम लोग देखते हैं कि उसमें से धुआं निकलना है, तो सेंस ऑफ साइट इस्तेमाल होता है हमारा. और गर्म पानी का हमें कैसे पता चलता है, हम गर्म पानी को फील करते हैं, हम उसे टच के वगैरह हम करीब जाते हैं तो हमें गर्मी महसूस लगती है, तो हम उसको फील करते हैं. थर्ड सिचुएशन है, अगर बस पे, रोड पे बस आ रही है तो हमें कैसे पता चलेगा. सबसे पहले तो हमें साइट हमें नज़र आएगी बस आते हुए, है ना. इसके अलावा हम लोग इसको सुन सकते हैं, सेंस ऑफ हियरिंग हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो हॉर्न बजाएंगे, अगर नहीं बजाएंगे तो हमें बस की आवाज़ आती है, उसके इंजन की आवाज़ आती है, उसके टायर की आवाज़ आती है, तो सेंस ऑफ हियरिंग भी हम इस्तेमाल करते हैं. स्टिंगिंग बीज, अगर काटने वाली मक्खी अगर आए तो हम उसे कैसे, हम लोग उसको देख सकते हैं, वी कैन सी, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, और इन दोनों चीज़ों को देख के उसकी आवाज़ सुनते हम उससे भाग सकते हैं. तो ये दोनों सेंसेस हमारे काम आता है स्टिंगिंग बी से बचने में. सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ हियरिंग हमें बस, अगर रोड पे कोई बस आ रही है तो उससे बचने में हमें मदद देते हैं साइट और हियरिंग. अगर गर्म पानी रखा हुआ तो हम उसको देख सकते हैं, उसमें से धुआं निकलता है, वो उसके करीब जाते तो हमें गर्मी महसूस होती है, गर्म पानी महसूस होता है तो हम उससे बच सकते हैं. और अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसको देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, उसको स्मेल भी कर सकते हैं. राइट ब्लो या फेवरेट. अब आपको नीचे जो उन्होंने पांच चीज़ें पूछी हैं कि फूड टूटे से आपको सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद है, जैसे अब मुझे जो है वो बर्गर्स पसंद है तो मैं लिख देती हूँ बर्गर. आप लोगों को जो भी पसंद है आप वो लिखिएगा. थिंग्स टू टच, मुझे क्या चीज़ पसंद है छूना, तो आई लाइक सॉफ्ट सॉफ्ट फैदर्स जो होती है ना, पर जो होते हैं सॉफ्ट फैदर्स, नरम व मुलायम पर, फैदर्स फैदर्स. सॉफ्ट फैदर्स, आप लोगों को जो भी चीज़ पसंद है छूना आप लिख दीजिएगा, मुझे जो पसंद है वो मैंने लिख दी, सॉफ्ट फैदर्स. थिंग्स टू स्मेल, रोज, आई लाइक टू स्मेल रोज. साउंड तो है, मुझे ड्रम की साउंड बहुत अच्छी लगती है, ड्रम का साउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है. थिंग्स टू सी, आई लाइक टू सी द स्काई, मुझे स्काई बहुत अच्छा लगता है देखना. आप लोगों को जो अपनी चीज़ें पसंद है वो लिखिएगा, आप लोग इसको कॉपी मत कीजिएगा. डू ऑल पीपल हैव ऑल सेंसेस, कुछ लोगों के पास कुछ सेंसेस नहीं होता, जैसे कि अ पर्सन हु कैन नॉट सी, जो अंदर देख नहीं सकता उसको हम कहते हैं ब्लाइंड. अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो इंसान बोल नहीं सकता उसको हम डम्ब बोलते हैं, यानी गूंगा, या हम उसको म्यूट भी बोलते हैं. म्यूट का मतलब भी गूंगा होता है. अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, अगर कोई इंसान जो सुन नहीं सके उसको हम कहते हैं डेफ, यानी उर्दू में से कहते हैं बहरा.